जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का रैपिड रिवीजन करेंगे। आज की वीडियो थोड़ा डिले हो गई है, उसके लिए सॉरी। अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुँचे और ये वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास रीच हो। चलिए शुरू करते हैं। दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो देखिए, महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो महाशिवरात्रि माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। देखिए, महाशिवरात्रि है वो दो बार मनाई जाती है, एक माह या फागुन की, दोनों माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। अब हम हिंदी के पंचांग के अनुसार अन्य त्यौहार कौन कौन से कब मनाए जाते हैं, इसको भी देखते हैं। तो देखिए, होली कब मनाई जाती है? फागुन में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। दीपावली कार्तिक के अमावस्या के दिन मनाई जाती है। करवा चौथ कार्तिक चतुर्दशी। रामनवमी चैत्र माह में नवमी के दिन। हनुमान जयंती चैत्र माह में पूर्णिमा के दिन। बसंत पंचमी माघ पंचमी के दिन। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के दिन। और ये दशहरा अश्विन महीना के दशमी के दिन मनाया जाता है, और दुर्गा पूजा छठी अश्विनी महीना के मनाया जाता है। अब देखिए, हिंदी त्यौहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो कौन सा त्यौहार है जो अंतिम माह में मनाया जाता है, वो कौन सा है? वो है होली है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। पी मुथुकन्नमल को 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, इनका कंट्रीब्यूशन किस में था? इनका कंट्रीब्यूशन भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षण होना। ठीक है, अब ये देखिए, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। अंतिम देवदासी कौन थे? आर मुथुकन्नमल थे। देवदासी नृत्य कहाँ का? ये दक्षिण भारत का है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये भरतनाट्यम है कितना वर्ष पुराना है? ये 2000 वर्ष पुराना है। ब्रिटिश सरकार ने 1910 में इस पर रोक लगा दी थी, और भरतनाट्यम शैव धर्म से रिलेटेड है। किस धर्म से है? शैव रिलेटेड से है, शैव धर्म से। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश में हिडिम्बा देवी के सम्मान में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो वो कौन सा उत्सव मनाया जाता है? वो है डोंगरी महोत्सव मनाया जाता है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश के अन्य फेस्टिवल कौन कौन से? नलवारी पशु मेला, बसंतोत्सव और कसोल संगीत महोत्सव, रायर महोत्सव, हल्दा महोत्सव, ये पूछा भी गया था, हाल ही में इम्पोर्टेंट है। पोरी महोत्सव कहाँ का है? ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश का है। फ्लाइज कहाँ का है? चैट कहाँ का है? ये दोनों कहाँ के? ये हैं हिमाचल प्रदेश के। ग्रेवाल फेस्टिवल और गोची फेस्टिवल, ये बाकी सभी फेस्टिवल ही कहाँ के? हिमाचल के अन्य फेस्टिवल हैं। अब हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ग्रुप ऑफ स्टेट्स रिकॉर्ड लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट। अब यह किसकी बात कर रहा है कि लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट की बात कर रहा है, तो वो किसकी? सबसे बिहार और अरुणाचल प्रदेश की है। देखिए, तो बिहार की कितनी है? बिहार की 71.2, जो सबसे कम पुरुष साक्षरता है, और अरुणाचल प्रदेश की कितनी है? 72.6 है। अब यहीं हम बात करते हैं, भारत का लिटरेसी रेट कितना है? 74.04% है। 1951 की तुलना में भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है? देखिए, 1951 में कितना था? 18.33 है। भारत का लिटरेसी रेट कितना है? 74.04 है। तो कितना गुना? ये 4 गुना है। अब हम बात करते हैं लिटरेसी रेट। तो देखिए, लिटरेसी रेट शुरुआत में 7 वर्ष से अधिक का बच्चा जो होता है ऊपर का, उसको लिटरेसी रेट में गिना जाता है। तो पहले क्या था, 1971 में ये 7 वर्ष किया गया था, उससे पहले 5 वर्ष से ऊपर के जितने भी थे उनको लिटरेसी रेट में गिना जाता था। अब यहीं हम बात करते हैं, सबसे कम पुरुष साक्षरता किसकी है? वो आपको मैंने बताया था, बिहार पहले पे, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे आंध्र प्रदेश। और सबसे कम स्त्री साक्षरता, तो वो बिहार, राजस्थान दूसरे पे, तीसरे पे झारखंड। अब हम बात करते हैं, स्त्री और पुरुष साक्षरता का सबसे बड़ा डिफरेंस किस में है? तो वो कितना है? राजस्थान का है, कितना? 27.1 का। और सबसे कम अगर पूछे तो वो किसका है? मेघालय का 3.1। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुराद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो मुराद अली किस से? सारंगी से। तो सारंगी के अन्य कौन कौन से कलाकार हैं उनको भी हम देखते हैं। मोइनुद्दीन खान ये किसके हैं? ये भी सारंगी के। ध्रुवा घोष और साबरी खान, सुल्तान खान, शकूर खान और रामनारायण। तो देखिए, इसमें खान कितने? 4 खान हैं, उनको आप याद कर सकते हैं, मोइनुद्दीन खान, साबरी खान, सुल्तान खान और शकूर खान। ये क्या है? ये चारों खान है किससे? सारंगी से। अच्छा, गिटार से कौन है? ब्रजभूषण काबरा किससे? ये गिटार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तबला से रविंद्र यावागल हैं, और बांसुरी से चेतन जोशी हैं।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब ये इसमें कितनी कैटेगरी होती है? दो कैटेगरी होती है, 17 से कम साल के होते हैं उनको स्कूल कैटेगरी में आते हैं, और जो 21 साल के होते हैं वो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में होते हैं। इसका जो चौथा एडिशन है वो कौन होस्ट कर रहा है? वो हरियाणा होस्ट कर रहा है। अब देखिए, जो खेलो इंडिया का जो पहला एडिशन था वो 2018 में दिल्ली ने होस्ट किया था, कहाँ पर? इसमें फर्स्ट पोजिशन किसकी थी? हरियाणा की। दूसरा महाराष्ट्र में हुआ था, तीसरा आसाम, चौथा हरियाणा अभी बताया था, पांचवा एमपी, और छठा अभी जो 2023 में हुआ वो क्या हुआ है? तमिलनाडु में। इसमें फर्स्ट प्लेस किसका है? महाराष्ट्र का है। अब हम ये बात करते हैं कि खेलो इंडिया ऐप कब आया। तो खेलो इंडिया ऐप 2019 में न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ। अब हम बात करते हैं बुक्स, सनी डेज ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी? तो देखिए, सनी डेज किसकी है? ये सुनील गावस्कर की। अब यहीं हम बात करते हैं अन्य क्रिकेटर्स और प्लेयर्स की जो की बुक्स हैं उनको भी देखते हैं। तो देखिए, द गाय हु फिनिश, ये किसकी है? राहुल द्रविड़ की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये किसकी है? कपिल देव की है। युवराज की कौन सी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसकी? युवराज की है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी है? सौरव गांगुली। अच्छा, 281 एंड बियॉन्ड, ये किसकी है? BBS लक्ष्मण की है। सचिन तेंदुलकर की कौन सी है? प्लेइंग इट माई वे। क्रिस गेल की सिक्स मशीन। ट्रू कलर किसकी है? एडम गिलक्रिस्ट। अच्छा, द डेफिनेट बायोग्राफी किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है। अच्छा, सचिन तेंदुलकर के ऊपर लिखी गई है, किसकी है? वैभव पुरंदर की है, ये राइटर हैं। अच्छा, इम्पैक्ट किसकी है? ये संजय माजरेकर की है। और ड्राइव इन विराट कोहली पर आधारित है, किसने लिखी है? विजय लोकपल्ली ने लिखी है। अभी हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का जो नाम चेंज कर दिया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये कब किया था? 2021 में किया गया। राशि इसमें कितनी मिलती है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड में 25 लाख की राशि मिलती है। पहली बार 1951-1952 में दिए गए, दूसरा बार किसको दिए गए? ये दूसरी बार गीत सेठी को दिए गए। ये किससे? ये बिलियार्ड के प्लेयर हैं। अभी हम आते हैं किसके द्वारा दिया जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है। अब पहली महिला कौन सी है? तो पहली महिला 1994 में कर्णम मल्लेश्वरी थी, उनको मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और पहले क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर ने कितना? 1997 में मिला। पहले हॉकी प्लेयर कौन है? 1999 धनराज पिल्ले हैं। पहली महिला हॉकी प्लेयर कौन है? रानी रामपाल हैं। अच्छा, यही हम बात करें 2023 में, अभी हाल ही में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला 2023 में, वो किसको मिला? चिराग शेट्टी और सात्विक राजू, ये किससे? ये बैडमिंटन से, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑफिशियल्स आर देयर टू ओवरसी ईच कबड्डी मैच, देखिए कबड्डी मैच की निगरानी के लिए कितने ऑफिशियल होते हैं? तो वो कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें एक रेफरी होता है, एक स्कोरर हो रहा है, और 2 सहायक होते हैं, और 2 एम्पायर होते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम प्लेयर कितने होते हैं? 12 प्लेयर होते हैं। और मैदान में कितने होते हैं? 7 प्लेयर मैदान में खेलते हैं। अब हम बात करते हैं कबड्डी का जो मैदान होता है, इसमें जो मेन लाइन होती है वो मिड लाइन होती है, उसके बाद 3.75 मीटर के बाद बॉक लाइन होती है, उसके 1 मीटर के बाद कौन सी आती है? बोनस लाइन होती है, और सबसे पीछे होती है वो कितनी होती है? एंड लाइन, जिसकी बोनस लाइन से और एंड लाइन की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 1.75 मीटर होती है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? ये राउरकेला उड़ीसा में है। अब हम बात करते हैं अन्य क्रिकेट स्टेडियम कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए, बरकतुल्ला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। बानखेड़े मुंबई में है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। और यूनिवर्सिटी ग्राउंड कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। मानसिंह स्टेडियम जयपुर, बारावती स्टेडियम कटक उड़ीसा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हैज़ द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनका नंबर क्या कौन बढ़ा सकता है? तो वो पार्लियामेंट के द्वारा बढ़ाए जा सकते हैं। तो देखिए, ये किस में है? ये आर्टिकल 124 के फर्स्ट में है, जिसमें शुरुआत में कितने जजेस थे? शुरुआत में 8 जजेस थे, जिसमें एक चीफ जस्टिस, 7 अदर थे। 1956 में 11 हो गए, जिसमें 1+10 हो गया। और हाल ही में 2019 में प्रेजेंट में कितने हैं? 34 है, जिसमें 1+33 है, एक चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस प्रेजेंट में चीफ जस्टिस कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कौन है? DY चंद्रचूड़ है, मैंने ही बता दिया आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कब बना? 26 जनवरी 1950 न्यू दिल्ली। अच्छा, ये किसके तहत आता? ये 1773 के रेगुलेटर एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, ठीक है। और 1935 के एक्ट के द्वारा संघीय अदालत कह दिया गया। और पहली बैठक कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को इसकी पहली बैठक हुई। आर्टिकल 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कहाँ हुई? कलकत्ता में 1774 में। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उस मुख्य न्यायाधीश है LJ MP। कौन थे? LJ MP थे।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, आर्टिकल 124 के सेकंड क्लॉज में दे रखा है। अब ठीक है, क्लॉज थर्ड में क्या दे रखा है, 124 के योग्यता है, मतलब 5 ईयर तक जज इन हाई कोर्ट रहना चाहिए या 10 साल तक एडवोकेट होना चाहिए किसमें, हाई कोर्ट में, राष्ट्रपति। और तीसरा क्या है, राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधेयता होनी चाहिए। अब यही बात करते हैं आर्टिकल 125 क्या कहता है। तो आर्टिकल 125 सैलरी ऑफ जजेस की बात करता है। आर्टिकल 143 क्या करता है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उससे प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 139 क्या कहता है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स पिटीशन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज। देखिए कौन सा आर्टिकल है जो एडहॉक जज की अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 127 बात करता है। अब देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने फ्रांस से लिया है, केवल ये सुप्रीम कोर्ट में होता है और अपॉइंटमेंट बाय चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट की सलाह पर लेते हैं। तो देखिए एडहॉक जज कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, किसकी सलाह पर, चीफ जस्टिस की सलाह पर। ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसमें, आर्टिकल 126 में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया, कहाँ किया था, कन्नौज और प्रयागराज की में। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष पर वो ये आयोजित किया करते थे। किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की, तो किसने की थी, हेनसांग ने की थी। इसको हम प्रिंस ऑफ द पिलग्रिमेज भी बोलते हैं। इसका जो कब आया था, 629 में 644 तक रहा था, लगभग 15 साल तक। इनकी बुक कौन सी, हेनसांग की, सी यू की है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। देखिए हर्षवर्धन खुद एक कवि थे, इन्होंने जो बाण भट्ट की बुक थी इन्होंने इसको बांसुरी वादक भी बताया है। अब देखिए हर्षवर्धन के 3 नाटक थे, वो कौन से, नागानंद, प्रियदर्शिका और इतनावली। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाण भट्ट की बुक कौन सी थी, हर्षचरित थी, जिसमें जिसके 8 भाग थे वो खुद बाण भट्ट ने लिखे हैं, सॉरी हर्षवर्धन ने लिखे हैं। दूसरी कादंबरी, तीसरी पार्वती परिणय। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कन्नौज के लिए त्रिपच्चि संघर्ष किन सेनाओं के द्वारा लड़ा गया, तो देखिए त्रिपच्चि जो संघर्ष था वो गुज्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल राजवंश के द्वारा लड़ा गया था। तो देखिए गुज्जर प्रतिहार वंश का जो फाउंडर था वो कौन था, नागभट्ट फर्स्ट था। ठीक है, और त्रिपच्ची में किसने भाग लिया था, वो बत्सराज ने लिया था। अब हम बात करते हैं राष्ट्रकूट का, तो राष्ट्रकूट का फाउंडर कौन था, दंतदुर्ग था, और त्रिपच्ची में ध्रुव ने भाग लिया था। अच्छा पाल वंश का कौन था, पाल वंश का फाउंडर गोपाल था, त्रिपच्ची में धर्मपाल ने भाग लिया। अब देखिए हाल लास्ट में विजय किसकी हुई थी, वो विजय हुई थी किसकी, गुज्जर प्रतिहार वंश की। ठीक है, अंतिम विजय किसकी हुई थी, नागवट सेकंड की हुई थी, किस पर, त्रिपच्ची संघर्ष पर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाल राजवंश के दौरान स्थापना, देखिए पाल राजवंश के द्वारा किन यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, तो देखिए पाल राजवंश के द्वारा धर्मपाल ने 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, एक विक्रमशिला और शामपुरा महाविहार और जगदम्ब महाविहार। इन तीनों की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। अब हम बात करें पाल राजवंश के जो फाउंडर थे गोपाल थे, इससे मैनाय भी कहते थे, और दांतीपुर में मठ का निर्माण किसने किया था, वो भी पाल राजवंश के गोपाल ने ही किया था। अकॉर्डिंग टू साइज जो प्लानेट है उनको लगाइए, तो देखिए इनके साइज के अकॉर्डिंग इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी। देखिए अब यही पूछ लेता है कि मरकरी साइज के अकॉर्डिंग कौन सा है, तो वो 5th पोजीशन आती है। अब देखिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन से होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। आउटर प्लैनेट और गैसीय प्लैनेट कौन से, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस है। ठीक है, इनको ऑक्सीजन प्लैनेट भी बोलते हैं और गैसीय प्लैनेट भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थ से सन की दूरी कितनी है, तो अर्थ के सन की दूरी कितनी है, 149 मिलियन किलोमीटर है। मिनिमम डिस्टेंस 147.5 किलोमीटर, जिसे एपिहेलियन बोलते हैं 3 जनवरी, और मैक्सिमम डिस्टेंस 4 जुलाई पेरिहेलियन कितनी है, 152.7 मिलियन किलोमीटर। अब देखिए जब सन की रेस डायरेक्ट इक्वेटर पर फॉल करती है कब कब पड़ती है, तो वो पड़ती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो 22 दिसंबर होता है सबसे छोटा दिन होता है, 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रीजनल रूरल बैंक्स इसकी स्थापना कब होती है, 1975 में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें भागीदारी 50% होती है, स्टेट गवर्नमेंट की 15% और बैंक्स की खुद की कितनी होती है, 35%। फर्स्ट RRB कौन सा है, तो फर्स्ट RRB कौन कब खुला था, 2 अक्टूबर 1975 में यूपी मुरादाबाद के प्रथमा बैंक थी जिसकी स्थापना हुई थी।
अब हम बात करते हैं आरआरबी एक्ट कब आया था, वो 1976 में आया था। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इन रिलेशन टू इंडियन बैंकिंग ट्रांजेक्शन व्हाट डज NEFT मीन्स। देखिए NEFT की फुल फॉर्म क्या है, तो NEFT की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अब यहाँ पर आप हैं तीन टर्म आते हैं, एक UPI, NEFT और RTGS। UPI क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, जिसमें मिनिमम लिमिट कितनी होती है 1 रुपया, मैक्सिमम लिमिट होती है 5 लाख। NEFT हाल ही में अभी मैंने बताया था नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसकी मिनिमम लिमिट है 1 रुपया, मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसमें मिनिमम है 2 लाख की लिमिट, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश इन इंडिया, तो देखिए सबसे पहली बैंक कौन सी स्थापित हुई थी, वो 1770 से 1832 तक चली, कौन सी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब हम बात करते हैं बैंक्स वर नेशनलाइज इन इंडिया। देखिए शुरुआत में कितनी बैंकों को नेशनल किया गया था, 14 को किया गया था, जिसकी पूरी कितनी थी 50 करोड़ से ज़्यादा थी। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद 1980 में 6 बैंकों को और नेशनलाइज कर दिया गया। अब मॉलिकुलर मास बताइए किसका, ओजोन मॉलिक्यूल का। तो देखिए ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 होता है, ठीक है, O3 ओजोन का फॉर्मूला होता है, तो O3 होता है तो O, 8 और 16। तो देखिए अब उसने क्या पूछा है, मॉलिकुलर मास पूछा है, तो मॉलिकुलर मास क्या होता है, ये मॉलिकुलर मास पूछा है, तो मॉलिकुलर मास O3 का कितना है, 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 × 3 यानी 48 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। अब यही हम याद करते हैं वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.2H2O होता है, किसका, जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, CuSO4.12H2O, ये किसका होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। कॉपर सल्फेट जिसे नीला तोता भी बोलते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, CuSO4। लाल दवा KMnO4, और फॉर्मेलिन का क्या होता है, HCHO। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, CHCl3, डाइक्लोरोमीथेन बोलते हैं इसको। NMIC मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NC, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया। तो देखिए यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2 होता है, यानी NH2 का होल टू CO होता है। ये क्या होता है, ये फर्टिलाइजर होता है, ये सिंथेसाइज क्या, लीवर को सिंथेसाइज करता है, जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, रेनिन प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट डाइजेस्ट, क्या डाइजेस्ट करता है, रेनिन जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब हम बात करते हैं हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर एट द हॉकी इंडियन अवार्ड 2023, किसको मिला है, हार्दिक सिंह और सलीमा तेते को मिला है। अब हम बात करते हैं इरोसमस अवार्ड 2024, किसको मिला है, वो अमिताभ घोष को मिला है, और अमिताभ घोष की जो फेमस बुक है वो कौन सी है, द शैडो लाइन है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब हम बात करते हैं मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला है, ये नीता अम्बानी को मिला है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, परमवीर चक्र पार्क इनॉग्रेट बाय द गवर्नर ऑफ, ठीक है। तो देखिए हाल ही में परमवीर चक्र जो पार्क है वो किस गवर्नर द्वारा उसकी स्थापना की गई है, उसका आयोजन किया गया है, वो किसके, तमिलनाडु। अब देखिए तमिलनाडु में अल निंगल नालम स्कीम कहाँ की है, ये भी तमिलनाडु की है। परसिम्मन के खिलाफ वन नेशन वन इलेक्शन किसके द्वारा किया था, तमिलनाडु के द्वारा। नीलगिरी तय सर्वेक्षण तमिलनाडु में, मांदुराई पाटरी ये भी तमिलनाडु में, और पुदुमई पेन छात्रवृत्ति योजना ये भी तमिलनाडु की है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इन विच स्टेट है चाइना चेंज द नेम ऑफ 30 प्लेसेस, किसमें, अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर जो 30 जगह हैं उनके नाम चेंज किया गया। अब देखिए 100% घरेलू जल कनेक्शन किसने दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश ने। और तवांगचू टैट्स चैंपियनशिप कहाँ हुई है, वो अरुणाचल प्रदेश में। सेला सुरंग लवांग जिला अरुणाचल प्रदेश में ही है। म्यूजिक फ्रो की नई जनजाति कहाँ खोजी गई है, वो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। अब हम बात करते हैं हु बिकेम रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट फीमेल जूरी मेंबर इन पेरिस ओलंपिक, तो देखिए वो कौन है, वो बिल्किस मीर हैं। अब देखिए जो पेरिस ओलंपिक है वो कहाँ होने वाले हैं, वो फ्रांस में होने वाले हैं, वहाँ पर फ्लैग बियर कौन है, शरद कमल है, ठीक है। अब यही बात करते हैं सेफ्ट मिशन के लिए किसे चुना गया है, वो किसे, मैरी कॉम को चुना गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, जिसको हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी
हम PDF और अन्य वीडियो बना के दे सकें। धन्यवाद।